नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या है क्रिस्टल थेरेपी, बड़ी बड़ी बीमारी का समाधान है यह थेरेपी के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। आज की भागम भाग भरी जिंदगी, जिम्मेदारियों को निभाने का दबाव और काम के दबाव के कारण आज का मानव मानसिक तनाव से अछूता नहीं है। बच्चों से लेकर बड़े सभी तनावग्रस्त रहते हैं। इसी तनाव के कारण आप धीरे धीरे कई सारे रोगों से घिर जाते हैं। ऐसे में इन रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक तनाव व शारीरिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्रिस्टल थेरेपी एक बेस्ट उपाय है। क्रिस्टल थेरेपी को क्रिस्टल हीलिंग भी कहते हैं। क्या है क्रिस्टल थेरेपी? इस थेरेपी में अलग अलग तरह के पारदर्शी पत्थरों या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। ये क्रिस्टल पृथ्वी में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। इस थेरेपी में उपयोग किए जाने वाले हर क्रिस्टल की अलग अलग विशेषता होती है और उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। यह क्रिस्टल हीट कंडक्टर और ऊर्जा के अच्छे सुचालक होते हैं। ये एक स्रोत से ऊर्जा लेकर दूसरे में विस्तारित कर देते हैं। यह क्रिस्टल हर बीमारी की चिकित्सा करने में सक्षम है। क्रिस्टल थेरेपी को करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, इसीलिए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए थेरेपी करें। कैसे होता है इलाज? अगर आप यह सोच रहे हैं कि इन पत्थरों से शारीरिक कष्ट कैसे दूर होंगे, तो हम आपको बता दें कि इन पत्थरों के अंदर रसायन खनिज होता है। जब इन क्रिस्टल को हमारी त्वचा पर रखा जाता है, तब हमारी त्वचा इन रसायन खनिज को सोख लेता है, जिससे यह हमारे शरीर में पहुंच जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि हमारा शरीर उतना ही रसायन खनिज अवशोषित करेगा जितने की उसको जरूरत है। इसके अलावा इन पत्थरों से कोई भी नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होता है। क्रिस्टल हीलिंग करते समय जब आप क्रिस्टल को शरीर पर रखते हैं, तब कुछ क्रिस्टल शरीर पर बहुत भारी लगते हैं तो कुछ हल्के लगते हैं, कुछ गर्म महसूस होंगे तो कुछ ठंडे महसूस होंगे। इससे यह पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से में कितना असंतुलन है और उसे किस तरह से संतुलित किया जाए। इस थेरेपी को करते समय जब व्यक्ति को सभी क्रिस्टल का एहसास एक समान महसूस होने लगे, तो मान लेना चाहिए कि अब सभी चक्र में संतुलन है। क्रिस्टल थेरेपी के लाभ। इस थेरेपी के द्वारा शारीरिक दर्द, ऐंठन, जकड़न व मानसिक तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा सिर दर्द, कमजोरी, अनिद्रा से भी छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।